कि जैसे बहन जी ने कहा, पूजा मंदिर में जाके आप शरीर समझ के पूजा करते हो। अब एक उदाहरण बताता हूं आपको, अभी आप जवाब देना, ठीक है, चुपचाप सुनना नहीं, ठीक है, थोड़ा आपके बुद्धि चलनी चाहिए, तो इधर उधर इधर बैठे बैठे और विचार आएंगे। देख लो, माता जी रोज मंदिर में जाती है, पूजा करती है, फूल चढ़ाती है, नारियल केला रखती है, रोज जाती है, भगवान से बात करती है ना, रोज जाती है, सही है। अब ये माता जी आई, ये माता जी रोज सेंटर में आती है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, यहाँ भी तो फोटो है ना, यहाँ बैठ के आप योग लगाते हो, बात करते हो, तो आपको ये भगवान अच्छा लगा, उनको वो भगवान अच्छा लगा, तो सही कौन गलत कौन? दोनों सही कि दोनों गलत? अभी माता जी भाई जी को रोज सेंटर में आता है, यहां तो भगवान बैठा तो नहीं है ना, चित्र है। आपको ये बाबा अच्छा लग रहा, आप इधर बैठ के योग करते हो, ज्ञान सुनाते हो, ठीक है, माता जी रोज मंदिर में जाती है, उनको वो भगवान अच्छा लग रहा है, वहां पूजा करती है, फूल रखती है, बात करती है भगवान से, तो उनको वो भगवान अच्छा लग रहा है, तो गलत क्या है? सही कौन गलत कौन? दोनों, देखो अभी दोनों सही हो गया ना, कोई गलत नहीं है ना, और बताओ भाई, बताओ गलत कौन सही कौन, कि दोनों सही? दोनों सही। और तभी तो आप ऐसे आप अपने आप ज्ञान सुनेगा तो नहीं ना, आपको भी बुद्धि चलानी चाहिए। हाँ, ऐसे चुपचाप बैठे रहो ठीक नहीं है, ये वो सत्संग नहीं है, सत्वचन महाराज जी नहीं, आप बताओ कुछ लेना है सोच समझ के लेना है ना, ऐसे नहीं किसी ने कहा तो आप पूछो ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, सही क्या? हाँ नहीं, उन्हें मंदिर वो जो कह रहे सही कह रहे ना, वो आप कह रहे हो तो भगवान सर्वव्यापी तो कहाँ है वो बताओ आप, अगर इधर नहीं, वो कहते इधर सब जगह है, तो वहां क्या है फिर, मंदिर में आप माता जी जाती है सही नहीं है? उनको अच्छा रोज पूजा करने जाती है, बात करती है, आप भी यहां जाते हो, यहां भी चैतन्य तो नहीं है ना, वहां भी चैतन्य है ना, वहां भी मूर्ति है, श्री कृष्ण था, श्री राम था, लक्ष्मी थी, आत्मा तो शरीर छोड़ के गई, उनकी मूर्ति है, मूर्ति रखी है, मूर्ति, अगर आप मूर्ति के सामने बैठ के बात करो तो आवाज सुनाई देगा, तो कौन सुनेगा? अगर आपके पिताजी था, पिताजी ने शरीर छोड़ा, घर में पिताजी के फोटो रखा है, आप पिताजी को भोग लगाओ, बात करो रोज, पिताजी सुनेगा ना, सुनेगा? तो श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, ये कुछ बोलते हैं थे पहले, शरीर छोड़ के चित्र है अभी, उसकी आप पूजा कर रहे हो, फूल बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, कौन सुनेगा? आत्मा है उसके अंदर, अभी एक एक खोलो उसके अंदर आत्मा, अगर आपने बैठ के वहां कुछ बात किया तो कौन सुनेगा? सुनेंगी? आत्मा है शरीर के अंदर नहीं, आपने पूजा किया कौन सुनेगा? परमात्मा भी नहीं उधर, चित्र मूर्ति श्री कृष्ण की मूर्ति है, श्री राम है, दुर्गा है, देवी है, तो उसके अंदर आत्मा है, तो आपने जो पूजा पाठ किया कुछ बोला कौन सुनेगा? ना, परमात्मा तो है नहीं उधर, नहीं पहले वहां की बात बताओ, मिक्स नहीं करो, फिर इधर आओ, यहां की नहीं बात करता, पहले मंदिर को स्पष्ट हो, मंदिर में जाके पूजा पाठ भक्ति करते हो तो आपने कहा सही है, बहन जी कहती दोनों सही है, तो बताना पड़ेगा मंदिर में जाते हो जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, फूल इतना तोड़ करके लगा, नारियल केला सब रखते हो, तो वहां आपका आवाज कौन सुनेगा? वो लक्ष्मी के, राम के, श्री कृष्ण के मूर्ति के अंदर आत्मा है, बोलता है, कुछ खाता है नहीं, तो आत्मा शरीर छोड़ के गई, वो मूर्ति पूजा कर रहे हो आप, सोचना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना, चुपचाप नहीं रहो, सही है? मूर्ति गुड़िया की पूजा बच्चे करते हैं, हाँ अभी इधर आओ, तब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भगवान आता है, हाँ पहले आता था, दादा लेखराज था, तो उनके तन में निराकार परमात्मा ने
प्रवेश कर सबको आत्मा का ज्ञान दिया, तब उनको ब्रह्मा कहा। वो थे, उनके तन में आता था, वो शरीर छोड़ के गए। अभी साल से गुलजार दादी करके है, छोटी थी, बचपन में आती थी, छोटी कन्या, 50 सालों से शिव बाबा जो ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान सुनाया, ये गुलजार दादी के तन में आके 50 सालों से ज्ञान सुनाया। श्री राम गया, किसी के तन में आया। श्री कृष्ण गया, गीता सुना के किसी के तन में आया। हनुमान गया, किसी के तन में आके ज्ञान सुनाया। कोई देवता देवी धर्म वाला कोई गए, उनके अपना शरीर चरण दूसरे के शरीर में आए। यहां 50 साल से, तब कहा ईश्वर अविनाशी है, सत्यम शिवम का, सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम लक्ष्मी सुंदर नहीं कहा, सत्य कौन है? शिव। एक निराकार, निराकार शिव के मंदिर में जाओ, लिंग है नहीं है, शरीर जन्म लिया कल छोड़ देना है, आत्मा ज्योतिर्लिंग है। तो वो निराकार अगर इनके तन में आता था, अभी हम इनको पूजा नहीं करते हैं, चित्र रखा, तो निराकार भगवान इनके तन में आता, निरचैतन्य रखा है ऊपर, वो इनके तन में आता था बताने के लिए। हम योग इनसे नहीं लगाते हैं, देखने के लिए मूर्ति ये नहीं बोलते हैं। निराकार शिव बाबा इनके तन में आके ज्ञान सुनाता था, आज नहीं है, लेकिन अभी भी लेकिन गुलजार दादी है, उनके तन में आके एक नहीं 50 सालों से। तो उनके जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो सुनाया था वो आज भी सुनाते हैं। तो श्री गीता सुनाई थी, कभी दोबारा सुनाई, रामायण दोबारा सुनाया, हनुमान चालीसा दोबारा सुनाया। तो भगवान और देवी देवता में अंतर पता होना चाहिए।